थोड़ा सा पानी हल्का हल्का मतलब कल क्लास आप लोग को समझ में आई कि पूरी तरह से क्या कोई दिक्कत है? कोई समस्या नहीं है। अगर उसमें से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग हल कर लेंगे, दिक्कत नहीं है। पूछना भी है एक पैराग्राफ लिख लीजिए आपको अक्सर बहुत ही जानते हैं अर्थव्यवस्था का बता दें। जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। बातें क्लियर स्पष्ट है आपको? एक लाइन एक पूरी लाइन स्पष्ट है। देश की समस्त आर्थिक क्रियाओं को अगर हम परिभाषित करें तो उसे हम किस रूप में करेंगे? आर्थिक क्रिया किसी देश के आर्थिक एजेंटों व्यापारिक क्षेत्र घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग उत्पादन तथा वितरण से संबंधित है। ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आर्थिक क्रियाओं में हम किन किन तत्वों को शामिल करेंगे या किस किस समग्र चरों को हम शामिल करेंगे। तो आर्थिक क्रिया में क्या क्या है? उत्पादन है ना और सरकार के क्षेत्र।
मेरे क्या था वाई इक्वल टू वाई यानी क्या कहा जाए बेस की आय, क्या कहा जाएगा इसको बेस की आय, तो ये हो जाएगा सी यानी कंजप्शन घरेलू क्षेत्र। ठीक है, इसमें घरेलू क्षेत्र में हम सभी कुछ ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद आई, आई क्या है निवेश और दो। ठीक है, इस चीज को हम देंगे जो उत्पादन की क्रिया को करता है, उत्पादन की क्रिया भी करेगा और उसके साथ साथ वितरण की भूमिका और विनिमय की भूमिका को भी निभाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा, ये दो क्षेत्र आपके आ जाएंगे घरेलू क्षेत्र और इसको कहा जाएगा फर्म, तो हाउस होल्ड और फर्म, जिसके कि दोनों की आपके आपसी क्रिया प्रतिक्रिया के स्वरूप आपकी क्रिया का निर्माण होता है। इसके बाद फिर आता है तीसरा, क्या आता है जो महत्वपूर्ण होता है वो सरकार का प्लस जी यानी गवर्नमेंट की भूमिका। गवर्नमेंट की भूमिका में क्या है, गवर्नमेंट टैक्स लगाती भी है और सब्सिडी देती भी है और आपकी योजनाओं के माध्यम से वेलफेयर का भी काम करती है और पनिशमेंट के भी काम करती है ना। ये क्लियर हो गया, इस अगर तीनों का अगर भ्रम कहा जाए तो ये क्या कहा जाएगा, ये कौन सी कानून कही जाएगी किसी देश में, ये अर्थव्यवस्था के रोल के आधार पर कहा जाए। हम अभी प्रकार में जब आएंगे अभी अर्थव्यवस्था के प्रकार में उसमें कहेंगे बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था उसके अर्थ है जो भी उत्पादन उपभोग और वितरण की क्रिया होती है वो देश के अंदर ही होती है। उत्पादन उपभोग विनिमय वितरण और राजस्व सभी कुछ केवल आपके देश की सीमा के भीतर ही होगी, देश के बाहर उसका कुछ भी नहीं होगा। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्लोज्ड इकोनॉमी या बंद अर्थव्यवस्था कहेंगे। ठीक है, अगर इसमें हम शेष विश्व को जोड़ दिया जाए, शेष विश्व को यानी विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ कोलेट कर दिया जाए तो हम उसे खुली अर्थव्यवस्था कहेंगे। क्या कहेंगे, खुली अर्थव्यवस्था प्लस एक्स माइनस एम। आर्थिक क्रियाओं को ठीक है ना, और इसमें संसाधनों का है पूरा, संसाधन में कौन कौन से आते हैं आपके उत्पादन का अगर कारक कहा जाए तो साधन कौन कौन से हैं, हाँ अरे भाई चार फैक्टर होते हैं उत्पादन कारक होते हैं, वही तो आर्थिक क्रिया प्रक्रिया होते हैं। आर्थिक क्रिया आप समझ गए, ठीक है, इसके आगे लिख लीजिए अर्थव्यवस्था की, अर्थव्यवस्था की समग्र आर्थिक क्रियाओं का, आर्थिक क्रियाओं का सैद्धांतिक तथा, सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक अध्ययन, व्यावहारिक अध्ययन अर्थशास्त्र है। इस लाइन में हमने आपको डिफाइन किया है कि अर्थशास्त्र का जो व्यावहारिक पहलू है, अर्थशास्त्र का व्यावहारिक पहलू वह अर्थव्यवस्था है, यानी अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र नहीं, अर्थव्यवस्था नहीं है, इससे अलग नहीं है। लेकिन जब हम प्रयोग करते हैं मैक्सिमम लोग या अर्थशास्त्र जो भी प्रयोग करते हैं जैसे पोस्टल वाले भी करते हैं तो इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स वो एक ही मानते हैं और अभी तक संभवतः आप लोग भी यही मानते रहे होंगे, भाई जो इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी वो नहीं मानते होंगे
लेकिन और सभी लोग अभी यही मानते होंगे, है ना, वो डिफरेंट आप समझिएगा। इसके साथ साथ आगे चलिए, नहीं लगे अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या अर्थशास्त्र में उपलब्ध सीमित साधनों के इष्टतम आवंटन की है। उपलब्ध सीमित साधनों के इष्टतम आवंटन की है। एक बार इसको पढ़ लीजिए आप लोग, कम से कम इसी पैराग्राफ से कम से कम आपके 5 से 6 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, तो सबसे आपके दिमाग में कुछ बैठ जाए। ये केवल आपने लिख लिया और सर लिखा दे, इसको समझिए और इस लाइन में कहीं भी कोई दिक्कत हो तो मुझे पूछिए, मैं उसको डिफाइन करूँ और इसी से क्वेश्चन लक्षण बन जाते हैं जो प्रारंभिक स्तर पर। इकोनॉमिक्स और इकॉनमी, दोनों सब ठीक है। इकोनॉमिक्स इकॉनमी ठीक है, इसका ये थ्योरी पार्ट हो गया और ये प्रैक्टिकल ठीक है। और दोनों को ये सिखाया जाए तो दोनों क्या रूप से संयुक्त रूप से हैं, अलग अलग नहीं है लेकिन दोनों में डिफरेंट है। आर्थिक क्रिया इकोनॉमिक एक्टिविटी इसके अलावा आपने कहा घरेलू क्षेत्र फिर व्यापारिक क्षेत्र, इसके बाद सरकार। आर्थिक क्रियाएं घरेलू क्षेत्र से शुरू होती हैं। ये क्या करती है, ये मांग और पूर्ति कहा जाए, डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति। घरेलू क्षेत्र क्या करता है, वो उत्पादन भी करता है और उपभोग भी करता है। तो उत्पादन कौन करेगा, व्यापारिक क्षेत्र। जब भी कोई काम करेगा तो उत्पादन क्षेत्र साधन के रूप में, आवाज क्लियर आ रही है ना, इसे कोई दिक्कत नहीं हो रही, सबको समझ में आ रहा है। माइक को लगाने का आवश्यकता है या नहीं, आ सकता है आवाज क्लियर नहीं आ रहा पर ये आ रही बेटा क्लियर, अगर नहीं समझ में आ रहा तो माइक में लगाओ, लगा दो
ठीक है, आवाजारी की है घरेलू क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र और सरकार, यहां क्लियर हो गया। इसका व्यवहारिक और थ्योरी भी हो गया। इष्टतम आवंटन उपलब्ध संसाधनों का आपने लिखा है समस्या, अगर कहा जाए समस्या कहा जाए या चुनौती कहा जाए, खत्म हो गया। चलिए, अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सीमित साधनों के इष्टतम आवंटन की है। आपके पास संसाधन क्या पर्याप्त मात्रा में है? सभी सीमित मात्राएं में है। तो एक अर्थशास्त्री या गवर्नमेंट सरकार क्या करती है, इसको सीमित संसाधनों का इष्टतम आवंटन यानी अधिक से अधिक उपभोग को संतुष्ट कैसे किया जाए, कम संसाधनों में अधिक उपभोग या अधिक संतुष्टि कैसे की जाए, या अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है क्या, इसका केंद्र बिंदु क्या है? मानव जगत के जीवन स्तर में इष्टतम संसाधनों के दोहन से सुधार, लिख लीजिए इसको, अर्थशास्त्र का मुख्य केंद्र बिंदु, अर्थशास्त्र का मुख्य केंद्र बिंदु। देश के सीमित संसाधनों के इष्टतम आवंटन के द्वारा मानव जीवन के स्तर में सुधार करना है, मानव जीवन स्तर के जीवन स्तर में सुधार करना है। यहां तक क्लियर है? ठीक है। और अगर ये कहा जाए कि अर्थशास्त्र की मुख्य चुनौती क्या है, तो एक इष्टतम संसाधन की आवंटन और दूसरा क्या है, वितरण। चुनौती, चुनौती में पहला क्या है, इष्टतम संसाधनों का इष्टतम आवंटन, लिख लीजिए। आवंटन और दूसरा वितरण, ठीक है। इष्टतम आवंटन समझ गए आप लोग, ऑप्टिमम इसका क्या है, वितरण से क्या स्थिति है, आपको सवाल वो आप लोगों के तक पहुंच जाए, जो सरकारी योजनाएं चलाती हैं वो भी बढ़ जाए। तो वितरण की कौन कौन सी क्रिया होगी, वितरण में तीन क्षेत्र आएंगे, वितरण कौन, वितरण कार्य किसका है, गवर्नमेंट का, सरकारी क्षेत्र का। इसके अलावा और भी तो आएंगे, क्योंकि और सरकार का ही दायित्व है, व्यापारी का भी आएगा। इसके अलावा
घरेलू, ठीक है। और कोई सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है अगर वितरण में देखा जाए, डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति के आधार पर वितरण। तो एक बहुत अच्छा वर्ड आता है इसका, बाजार, ठीक है ना। क्या होगा? बाजार के द्वारा। मार्केट फोर्स के द्वारा, ठीक है, मार्केट मैकेनिज्म जो कहा जाए उसको, मार्केट मैकेनिज्म के द्वारा हम उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं जिसकी डिमांड होती है। अगर जिसकी डिमांड नहीं होती है तो मार्केट में वो वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसकी डिमांड ही नहीं है ना। अगर डिमांड नहीं है तो कोई भी आप खोज वाले बांदा में, ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो आप उपभोग नहीं करते हैं तो बांदा में नहीं मिलेगी। मिलेगी नहीं मिलेगी? वही वस्तुओं से मौके यहाँ के दुकानदार रखेंगे जो आप अक्सर मांगते हैं। अगर ये कहा जाए कि दिल्ली के कुछ नोट्स मांग लीजिए, कोई किताब मांग लीजिए अच्छे यूपीएससी की, तो पूरे बांदा में खोल करेंगे नहीं मिलेगा, दो तीन किताब दुकानों को छोड़ करके। क्यों? क्योंकि दुकानदार ये कहेगा कोई मांगता नहीं है साहब, इतने दुखे आते हैं तो हम अपने घाटे का सौदा नहीं करेंगे। तो वितरण का काम कौन करेगा? बाजार, मार्केट मैकेनिज्म, ठीक है, बाजार अर्थव्यवस्था। इसको क्या कहेंगे? बाजार अर्थव्यवस्था के द्वारा डिमांड और सप्लाई की आपूर्ति होती है, ठीक है। और दूसरा, ये तो बाजार के द्वारा हो गया, दूसरा कौन करता है? सरकार। दूसरा कौन करेगा? सरकार, ठीक है। और तीसरा, बाजार मतलब घरेलू क्षेत्र को छोड़ के, हाउस होल्ड को छोड़ के, ठीक है ना। विशेष करके ये चीजें होंगी। यहां तक बातें आप लोगों को समझ में आई है? अगर यहां तक समझने में कोई दिक्कत हो तो फिर बताइए। मिटा दें इसको, क्लियर है? अब हम कल लिखेंगे प्रकार। अर्थशास्त्र के प्रकार, अर्थशास्त्र के प्रकार, विकास। पहला पॉइंट है विकास, दूसरा पॉइंट है विश्व के साथ संबंध, विश्व के साथ संबंध, तीसरा देश के समूह या समूह, चौथा है स्वामित्व। स्वामित्व स्वामित्व इसको आप कई जगह भी बांट सकते हैं,
स्वामित्व को, जैसे स्वामित्व किसका किसका होता है, सरकार का भी होता है और प्राइवेट का भी होता है, और उत्पादन के आधार पर भी होता है, संसाधनों के उत्पादन के आधार पर भी होता है, ठीक है ना। इसके बाद है विश्व बैंक, पांचवा है वर्ल्ड बैंक के अनुसार। स्वामित्व में एक और भी चीज हम जोड़ते हैं, इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो है सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम समझ रहे हैं आप, अर्थव्यवस्था का जो सिस्टम होता है, पूरी होता है, वो क्या होता है, उसको हम अलग से पढ़ा करके हम इसी में समाहित कर देंगे। इकोनॉमिक्स सिस्टम, ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम, उसको हिंदी में क्या कहेंगे, अर्थशास्त्र की व्यवस्था, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। विकास के आधार पर हम शुरुआत करते हैं, तो विकास के आधार पर कौन कौन सी अर्थव्यवस्था आएगी, कौन कौन, अल्प विकसित, पहला आ जाएगा विकसित, दूसरा विकासशील, तीसरा अल्प विकसित, विकसित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है, अगर इसको मापा जाए तो किस रूप में मापा जाता है, प्रति व्यक्ति आय का, किसी देश की प्रति व्यक्ति की आय कितनी ज्यादा है उसके आधार पर हम उस देश को विकसित करते हैं, ठीक है ना। ऐसे देश विकसित अभिप्राय है, ऐसे देश जो पूंजी, तकनीक और शिक्षा के माध्यम से संसाधनों के इष्टतम दोहन के द्वारा अधिक से अधिक सुख और सुविधाओं का उपभोग करते हैं, या अधिक से अधिक संसाधनों का उपभोग करते हैं, ऐसे देश को हम विकसित देश कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। विकासशील देश का मतलब क्या है, ऐसे देश जिसमें विकास की संभावनाएं तो हैं लेकिन अभी विकसित हुई नहीं है, वहां आज भी गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी और सोशल और आर्थिक समस्याएं विद्यमान हैं, ठीक है, ऐसे देश को हम क्या कहेंगे, विकासशील। संसाधन तो हैं, प्राकृतिक संसाधन है, उत्पादन के संसाधन है, उपभोग के भी संसाधन है, लेकिन अभी उसका इष्टतम उपयोग प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी है, इसलिए ऐसे देश को हम विकासशील देश, ठीक है। इसको आप नोट्स बनाना चाहें, देखने बजाय धीरे धीरे मैं बोलता जाऊँ तो आपको इसको नोट भी करते जाइए, नहीं तो फिर सुनेंगे तो फिर निकल जाएगा, या फिर हम बोल को लिखाते भी जाए फिर समझाते जाए तो कैसे आप लोग कैसे समझ में आएगा, यानी हल्का लिखाते भी जाए फिर हल्का समझाते भी जाए, या केवल ब्लैक बोर्ड पर हम समझाते चले जाए, आप पढ़ लें, नोट्स बना लें, ऐसा सही जाएगा, चलिए ठीक है, क्योंकि
उस समय फिर टाइम टेक बहुत ज़्यादा होता है, जो हमको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो देना है अगर हम लिखाने लगते हैं तो वही जो बहुत जरूर वही सोचते हैं कि लिखाएं, बाकी आप अपनी किताबों से पढ़ लें जहाँ भी प्रॉब्लम वहाँ पर कर लें तो हम केवल एनालाइज कर लें, और जहाँ आप हल्का फुल्का लिखा भी देंगे जैसे पैराग्राफ में लिखा दिया उसमें आप मैक्सिमम समझ लें। अब जैसे विकसित है विकासशील है तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, नहीं तो उसको एक एक चीज़ को अगर लिखाने लगेंगे तो सिर्फ एक क्लास में सिर्फ एक हो पाएंगे। बात समझ रहे हैं, विकासशील हो गया अब अल्पविकसित, अल्पविकसित देश कौन से हैं जिनके पास वह ऐसे देश जिनके पास प्राकृतिक संसाधनों का अभाव है और विकास की संभावनाएं भी नहीं, उनके दोहन की संभावनाएं भी नहीं है, ऐसे देश को हम अल्पविकसित देश कहते हैं। उदाहरण के तौर पर है अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के आप देश ले लीजिए, और विकासशील के देश के रूप में किस देश को ले गया, एशिया के देशों को, हाँ एशिया के समूह को पूरा आप ले सकते हैं। अगर ये कहें हम कि विकसित देशों के समूह को लीजिए तो यूरोप के देश को, हाँ तो यूरोप यूरोप में तो भी आ जाएगा, क्या अलग अलग हमने डिवाइड कर दिया पूरा क्षेत्र वाइज, मतलब तीन वर्ल्ड हैं, अगर कहा जाए कि तीन विश्व हैं, प्रथम विश्व में कौन कौन है, यूरोप के देश अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस कनाडा जर्मनी जापान, ठीक है स्विट्जरलैंड नॉर्वे नीदरलैंड, ये सब आपके क्या है प्रथम विश्व की दुनिया है, क्या है प्रथम विश्व की दुनिया है। दूसरा द्वितीय विश्व में ऐसे देश जिसमें प्राकृतिक संसाधन है पर्याप्त मात्रा में, विकास की पूरी संभावना है, ऐसे देश को पोषण देखिए इसी को बनता है, ऐसे देश जिसमें प्राकृतिक संसाधन है और विकास की पूरी संभावना है, ऐसे देश विकासशील देश है, ठीक है ना, जिसमें भारत पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका और उधर आपका रशिया भी आ जाएगा, उधर ईरान इराक इजराइल ये सब जो भी देश हैं बर्मा है ना, ये सब देश आपके क्या आ जाएंगे विकासशील देश में आते हैं, चाइना भी एशिया में आएगा विकासशील देश है, वो विकासशील देश है, हाँ रशिया विकासशील देश है, विकसित देश में आता है लेकिन विकासशील विकासशील देश में ही आएगा, वर्तमान समय में जो उसकी स्थिति है वो विकासशील की ही है, वहाँ भी समस्याएं आ गई हैं। कोई भी देश अपने संसाधनों के इष्टतम दोहन के माध्यम से वो अप और डाउन होता रहता है, ठीक है ना, तो अगर पूर्णतः विकसित कहा जाए तो अमेरिका आएगा और जिससे सेकंड वर्ल्ड में आएगा तो पूरी तरह से मतलब विकसित है और पूरी तरह से विकासशील है, दोनों के क्या बोलते हैं संक्रमण काल की स्थिति में रशिया है, पहले तो धुरी हुआ करती थी रशिया और अमेरिका, ठीक है ना, तो अमेरिका 11 खंडों में बढ़ गया, रूस 11 खंडों में बढ़ करके अब वो विकासशील हो गया, ठीक है ना, अभी जो युद्ध हो रहा है क्या यूक्रेन रूस का भाग था, कब 1990 से पहले वो रूस का ही भाव था, जैसे कहा जाए तो 1947 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान श्रीलंका ये सब किसके भाग थे, भारत के भाग थे, लेकिन आज हमसे अलग देश हो गए हैं, अगर कोई बात होती भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है, भारत बांग्लादेश का युद्ध होता है, भारत श्रीलंका का युद्ध होता है, होगा कि नहीं होगा, आने वाले समय में भी हो सकता है, अक्सर तलवारें खींची रहती हैं है ना, और पूरा विश्व क्या लेता है उसका दोहन करता है, जो आपके संसाधन है जैसे एक सामर्थ्य है कि दो भाइयों को लड़ा दिया जाए तो तीसरे लोग क्या करते हैं हथियार देंगे पैसा देंगे और उनके घर परिवार सब कुछ बंधक रख लेंगे है, और युद्ध के बाद लड़ाई के बाद 5 साल बाद पता चला कि एकदम रोड पर आ गए है ना, तो वही स्थिति आज विश्व के समय में भी आ रही है। तो ऐसे देश जहाँ पे विकास की संभावनाएं हैं प्राकृतिक संसाधनों का अभाव है,
ऐसे देश को हम अल्प विकसित कहेंगे जिसमें विकास की संभावनाएं नहीं है, ठीक है ना। जिसमें विकास की संभावना है वो विकासशील है, और जो पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं अंतिम उपभोग की सीमा पर है वो है विकसित देश। इसके आधार हम आय के आधार भी ले सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन के भी ले सकते हैं, और उपभोग की स्थिति को भी हम ले सकते हैं, जीवन की क्वालिटी को, ठीक है ना, जीवन की क्वालिटी लाइफ इंडेक्स को भी ले सकते हैं, ताकि यहाँ के जो विकास की संभावना है एक व्यक्ति की औसत आय कितनी होगी, सबसे ज़्यादा होगी, यहाँ पे थोड़ी सी कम होगी और यहाँ पे सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शिक्षा स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य का बहुत ही अभाव है, उद्योग का भी अभाव है, और ये शुरुआत स्टेट में है और यहाँ पे बिल्कुल नहीं है जैसे अफ्रीका के देश है ना। अब इसके बाद विश्व के साथ संबंध क्या रहा, अगर अर्थव्यवस्था के प्रकार देखा जाए तो बंद, क्लोज और खुली अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था में आप देखेंगे y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस, इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये है। अगर न समझ में आता तो यहाँ के लोग इतना कट करते उधर चले आया सामने तो और नजदीक आ जाते हैं। y is equal to c plus i plus g plus x minus m, c का मतलब होता है कंजम्पशन, उपभोग उत्पादन और सरकार, उपभोग और का मतलब विनियोग या उत्पादन, विनियोग अपित उत्पादन, g का मतलब सरकार, जी का मतलब सरकार, और एक्स माइनस निर्यात, एम माइनस इंपोर्ट, आया निर्यात माइनस आया, ठीक है। हमने क्या बताया कि विश्व के साथ संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था को देखी जाए तो खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। ऐसे देश जहाँ उनके संबंध आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से विश्व के साथ जुड़े हुए हैं, आर्थिक क्रियाओं का विश्व से जुड़े हैं, जिनका आयात निर्यात होता है, उनको हम खुली अर्थव्यवस्था कहेंगे। और जो तीनों क्रियाएं उपभोग उत्पादन विनिमय वितरण और राजस्व केवल देश के सीमा के भौगोलिक सीमा के भीतर अगर होता है तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम बंद अर्थव्यवस्था कहेंगे। क्या इसका इतिहास है कि हमारी अर्थव्यवस्था बंद है या खुली है? हमारी अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था है, और बंद अर्थव्यवस्था किसकी है? यूक्रेन की बंद क्यों होगी? पूरा 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 विश्व उसके साथ सब खड़ा है, साउथ कोरिया वही एक है, नॉर्थ कोरिया जो तमाशा है किम जांग, उसकी अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी है, लेकिन पूरी तरह से वो भी क्लोज्ड नहीं है, वो पूरी तरह से डिपेंड किस पर है? चाइना पर। अगर चाइना के साथ कर रहा है एक तो खुला ही है, लेकिन आंशिक रूप से खुला है, वो अमेरिका के साथ नहीं है, भारत के साथ नहीं है, और भी अन्य देशों के साथ उसके आदान प्रदान नहीं है, लेकिन वो भी अगर ये कहा जाए कि इस वर्तमान समय में कोई भी ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं है जो बंद अर्थव्यवस्था, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से खुली अर्थव्यवस्था है, उसका आदान प्रदान होता है, आयात और निर्यात होता है, ठीक है, क्लियर है। अब स्वामित्व के आधार पर आ जाए, ठीक है, क्लोज और ओपन,
ठीक है। समूह जैसे देश हैं, जैसे यूरोपीय यूनियन देश है ना, सार्क देश है ना, ब्रिक्स देश है ना, इसे समूह के आधार पर कहा जाए तो उनका भी एक विकसित देशों का अलग समूह बना है, विकासशील देशों का G7। G7 किसके अंतर्गत है? विकसित देशों का है, पूरी तरह से विकसित देशों, उसमें विकासशील देश नहीं है। G20 है, ये किसका है? विकासशील देशों का है, ठीक है ना। तो इसके आधार पर अगर हम अर्थव्यवस्था को बांटे तो ये समूह के आधार पर अर्थव्यवस्था के रूप में लेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या कहा जाए, प्रति व्यक्ति के आधार पर उच्चतम उच्च आय, इसको अगर हम करते हैं समूह के आधार पर, ये इसका स्वभाव आय के आधार पर, उच्च आय, मध्यम आय, निम्न मध्यम आय और निम्न आय, इसके आधार पर अगर हम मापते हैं तो देश के समूह को, तो हम समूह के आधार पर देखते हैं, ठीक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आपकी अर्थव्यवस्था चलती है, पहला है पूंजीवाद, समाजवाद, ठीक है, और तीसरा है मिश्रित। समाजवाद को हम राज, इसको हम कह देते हैं राज, समाजवाद, ठीक है, यहां तक क्लियर है? उसको और देख कर जाए, देखिए दिख रहा सबको ना, आपको उधर दिक्कत हो रही होगी, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आप सामने आ जाओ, यहाँ के तीन चार लोग बल लिया लंका कर, इधर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपको आगे आ जाओ, फोन कर अभी ये यहाँ से अपनी आओ, ताकि देखने समझने में अच्छा लगे आपको, आप बाहर आओ, ये चार लोग आ जाओ, आगे इधर आ जाओ। पूंजीवाद, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की शुरुआत कब से हुई? बोलो, नहीं, अगर हम बहुत पहले चलते हैं तो दो प्रकार के अर्थव्यवस्था सामने आते हैं, प्रकृतिवादी और वणिकवादी, और शास्त्री जो होंगे वो समझेंगे। प्रकृतिवादी क्या है? जो प्रकृति के आधार पर, बार्टर सिस्टम के आधार पर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित कर देते हैं, तो उसको प्रकृतिवादी बोलते हैं। फिजियोक्रेट्स और मर्केंटलिज्म, ये दो अर्थव्यवस्थाएं बिल्कुल प्राचीन हैं, ठीक है ना। उसी के संशोधन के क्रम में एक नई अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ, पूरी तरह से मर्केंटलिज्म यानी बाजार की अर्थव्यवस्था, पूरी तरह से जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है किस पर निर्भर है? पूरी तरह से बाजार की अर्थव्यवस्था में क्या होता है? उसका नियंत्रण किस पर होता है? डिमांड और सप्लाई। अब इसको मिटा के हम करो, उस पर तीनों पर आ जाए, पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था, सबको मिटा दें, अपलोड कर लिए होंगे आपको। पूंजीवाद कैपिटलिस्ट क्या, इससे पहले क्रियाएं तो होती थी, लेकिन कहा जाए कि इसका नाम
किसने दिया और सुव्यवस्थित वैज्ञानिक क्रमबद्ध अध्ययन अगर कहा जाए तो किसने किया था इसको? एक स्कॉटलैंड अर्थशास्त्री हैं, दार्शनिक थे, एडम स्मिथ। ठीक है, इन्होंने किताब लिखी थी 1776 में, वेल्थ ऑपरेशन साथ में करते हैं। तुम पूरा नाम बताओ उसका, अर्थशास्त्री हो भाई, पढ़ी हुए में हो, बताओ। वेल्थ ऑपरेशन तो साथ में बोलते हैं उसको, एन इंक्वायरी इनटू द वेल्थ ऑफ नेशन, इंक्वायरी क्लास ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन है, ठीक है ना, तो उसको हम कहेंगे वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, उन्होंने किताब लिखी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इन्होंने कहा था, उनका जो समर्थन था, इनको हम क्या कहते हैं, क्लासिकल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, क्लासिकल अर्थशास्त्री विचारधारा भी यहीं से शुरुआत होती है। क्या कहते हैं इसको, क्लासिकल 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 इकोनॉमिक्स। ठीक है, इनके साथ और भी अर्थशास्त्री थे, जैसे माल्थस हैं, जेस मिल हैं, पीगू हैं, ये सब अर्थशास्त्री इनके काल के थे, इनके बाद के काल। इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का पहला जो कहा जाए इसका गुण है वो क्या है, और हस्तक्षेप की नीति। हस्तक्षेप, इसको कहेंगे इंग्लिश में लेसेस फेयर पॉलिसी, लिख लीजिए इसको, अक्सर पूछता है। हस्तक्षेप को इंग्लिश में कहेंगे लेसेस फेयर, लेसेस फेयर इकोनॉमी। ठीक है, इसके बाद वो कहते हैं दूसरे रूप में अदृश्य, हाँ अदृश्य हाथ, इसके बाद आता है श्रम विभाजन, श्रम विभाजन। इसके बाद आता है विनिमय, एक्सचेंज, लेसेस फेयर, इनविजिबल हैंड्स, श्रम विभाजन, लेबर डिवीजन और विनिमय एक्सचेंज। अगर परिभाषित किया जाए तो अर्थशास्त्र को, इकोनॉमिक्स को उन्होंने क्या कहा, अर्थशास्त्र धन के कारणों स्वरूप, धन का वितरण ही अर्थशास्त्र है, धन के कारणों स्वरूप है ना का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र। उन्होंने अर्थशास्त्र की पहली डिफिनेशन यही दी थी और सबसे पहले उन्होंने अर्थशास्त्र का डिफिनेशन दिया था, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, अर्थशास्त्र का जन्मदाता। अर्थशास्त्र का जन्मदाता कहा जाता है, किसको कहा जाता है,
एडम स्मिथ को। अच्छा ये बताइए कि एडम स्मिथ को जन्मदाता कहा जाता है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन इससे पहले तो हमारे यहाँ मौर्य साम्राज्य था, विष्णुगुप्त का अर्थशास्त्र था, उनको क्यों नहीं कहा गया? अर्थशास्त्र नामक उन्होंने किताब भी लिखी थी, कंफ्यूज तो होता है। अर्थशास्त्र की किताब चाणक्य ने लिखा था ना, और उसमें भी ये पूरी प्रक्रिया अपनाई गई, पूरी चीजों का उसमें दोहन है, है? लेकिन क्यों वो पूरी तरह से गवर्नमेंट और राजा के अधीन थे, उसमें मार्केट फोर्स नहीं थे, ठीक है? उसका क्रमबद्ध वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं था, ठीक है? वो केवल राजकोष और राजशाही और उसका एक प्रमुख सिद्धांत सप्त सिद्धांत, उसमें राजनीतिक तत्व भी समाहित थे, सामाजिक तत्व भी समाहित थे, इसलिए केवल प्योर इकोनॉमिक्स के रूप में अगर काम किया है तो वो एडम स्मिथ महोदय ने कहा है 1776 ईस्वी में, और उन्होंने इसके लिए किताब भी लिखी थी, और इसके आधार पर ही पूरे यूरोप के देश, पूरे यूरोप के देश इस पर काम करना शुरू किया, और इसके आधार पर अपनी अर्थव्यवस्था और धन का क्या क्या उन्होंने एकत्र करना शुरू कर दिया। कोई भी देश अधिक से अधिक विकसित कैसे हो, और जो आज भी यूरोप के जो विकसित देश हैं उसके जन्मदाता अगर कहा जाए तो वो एडम स्मिथ महोदय ही है, कि उनकी नीतियों का सभी देशों ने फॉलो कर दिया और उस पर अमल करके आज वो पूरी तरह से विकसित देश, ठीक है ना? इसमें ये कहा जाए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन उपभोग विनिमय वितरण ये चारों चीज, इस पर किसका नियंत्रण है? ये पूरी तरह से बाजार यानी अदृश्य हाथ, बाजार का मतलब इनविजिबल हैंड यानी एडवर्सरी अदृश्य हाथ है, मार्केट मैकेनिज्म है, ठीक है ना? वो फोर्स की शक्तियां, और फोर्स कौन कौन से हैं? वो लेसेज फेयर का मतलब क्या है? ये डिमांड और सप्लाई, मांग और पूर्ति की शक्तियां यानी बाजार की शक्तियां, ये दो शक्तियां होती हैं। इसका अभिप्राय ये है कि सरकार का कोई रोल नहीं है, सरकार का कोई रोल नहीं है, ठीक है ना? हस्तक्षेप कोई का सरकार नहीं करती, किसका कि किस वस्तु का उत्पादन किया जाएगा, कितना उत्पादन किया जाएगा और उसका वितरण कौन करेगा, कैसे करेगा, इस पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। कोई गरीब है तो गरीब रहे, कोई अमीर है तो अमीर रहे, कोई व्यापारी है तो व्यापारी कहे, तो कोई, इसका एक कारण होगा कि पूंजीवाद इसका आरोप लगाते हैं श्रम विभाजन, पूंजीवाद में होता है क्या श्रम विभाजन? श्रम विभाजन से क्या अभिप्राय है? अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग काम के द्वारा उनके श्रम का विभाजन किया जाए, जैसे अगर एक किसान है तो खेती में माहिर होगा, और एक मैकेनिक है, मोटर मैकेनिक है, तो मोटर मैकेनिक में बहुत महारत हासिल करेगा। अगर कोई शिक्षक है तो पढ़ाने में महारत हासिल होगा, वो मैकेनिक काम, गाड़ी का काम नहीं कर सकता, न कृषि काम कर सकता है, तो अर्थव्यवस्था में उसके हिसाब से उसको काम दे दिया जाए, है ना? तो श्रम का विभाजन और उसके आधार पर उसको दिया जाए, उपभोग के आधार पर, कार्य के आधार पर, ठीक है ना? तो उसको लेबर डिवीजन बोलेंगे, ठीक है ना? ये यहीं से शुरुआत होगी। विनिमय भी कौन करेगा? बाजार करेगी, व्यक्ति करेगा यानी पूंजीवादी व्यक्ति करेगा, उसमें इसमें प्रतियोगिता का अभाव होता है, इसमें एकाधिकार होता है, एकाधिकार भी नहीं होता है,
एक अधिकार तो होता है, लेकिन उसमें कहा जाए क्या परफेक्ट कंपटीशन प्रतियोगिता, अगर पूंजीवाद में कहा जाए तो प्रतियोगिता का प्रादुर्भाव होता है, ठीक है ना, कि एक से अधिक कंपनियां उसमें काम करती हैं। जैसे जैसे उदाहरण कोई दीजिए, प्रतियोगिता वाली कंपनी कोई भी, आपके संचार के क्षेत्र में केवल एक कंपनी है या कई कंपनियां हैं? कई कंपनियां हैं तो इसका क्या अभिप्राय है? प्रतियोगिता है, एक अधिकार किसी की मोनोपोली नहीं है। अगर कोई भी कंपनी अगर अपने दर को बढ़ा देती है या कॉस्टली करती है तो उपभोक्ता क्या करेगा? सिम निकालेगा, तोड़ेगा, फेंक करेगा, तुम जाओ बाय बाय, हम दूसरी कंपनी का तुरंत उपभोग करना शुरू कर देगा, है ना, मार्केट उसकी खत्म हो जाएगी। बीएसएनएल आज की स्थिति में ऐसे ही है, लेकिन उसके टावर गांव क्षेत्र में भी हैं, इसलिए वो काम अभी भी लोग यूज में ले रहे हैं, लेकिन जो शहर के क्षेत्र हैं वो पूरी तरह से जियो पर आधारित हो गए हैं, है कि नहीं? तो ये क्या प्रतियोगिता है, मोनोपोली है, द्वयाधिकार है, ये सब आता है, ये आप लोग का पार्ट नहीं, लेकिन जानकारी होनी चाहिए कि क्या है, ठीक है ना। तो विनिमय किसके द्वारा होता है? मार्केट के द्वारा, ठीक है ना, वितरण भी। ये एडम स्मिथ महोदय ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में योगदान करके कहा था, ठीक है ना, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आज भी वर्तमान में भी विद्यमान है, ठीक है ना, उतार चढ़ाव होते रहते हैं, कमियां इसमें भी कमियां बहुत ज़्यादा आ गई, इसमें कमियां ये आई कि क्या होगा कि व्यक्ति व्यक्ति को एक मार कर काट करके धन को प्राप्त करने की कोशिश करने लगा है ना, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गई। अब हम चलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, है अदृश्य हाथ का मतलब है मार्केट, मार्केट मार्केट फोर्स, ठीक है, बाजार की ताकत आपको दिखता नहीं है, लेकिन सामान समाज वही आपको सामान मिलेगा जो मार्केट में उपलब्ध होगा, यानी जिसकी डिमांड होगी, क्या होगा डिमांड, उन्हीं वस्तुओं की आपूर्ति होगी जिसकी डिमांड होगी। इसमें एक शब्द आता है क्लासिकल इकोनॉमिक्स में, मांग अपनी पूर्ति का सृजन स्वयं करती है, मांग अपनी पूर्ति का सृजन स्वयं करती है, अर्थव्यवस्था में कोई भी बेरोजगारी नहीं होती है। एक इनका वाक्य है क्लासिकल इकोनॉमिक्स मार्शल का, एडम स्मिथ के बाद जेबी से का है, लेकिन उन्होंने दिया मार्शल के, मार्शल द्वारा प्रपोन किया गया था, जेबी से ने कहा था इसको, ठीक है ना, कि मांग अपने पूर्ति का सृजन स्वयं करेगी, लेकिन उसका प्रारंभिक बिंदु मांग और पूर्ति का जो कंसेप्ट है वो तो एडम स्मिथ महोदय ने ही दिया था ना, इसीलिए तो उनको जनक भी कहा गया, ठीक है ना। अब हम आ जाए समाजवादी राजनीति, इसके उत्पादन उपभोग विनिमय वितरण पर किसका अधिकार होता है? राज्य का, ठीक है, किस आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग वितरण किया जाए, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है ना। इसका प्रमुख उदाहरण किसका है? रसिया का, ठीक है ना। इसका उदय कब हुआ था? 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, ठीक है, और इसका जनक कहा जाता है कार्ल मार्क्स को, कार्ल मार्क्स कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने एक किताब लिखी थी दास कैपिटल, ठीक है,
ठीक है, इसमें प्रमुख चीज दिया जाता है योग्यता एवं आवश्यकता। ये उनकी प्रमुख थ्योरी है, ठीक है। स्वामित्व किसका रहेगा? स्वामित्व राज्य आ सरकार। व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं रहेगा। श्रम, श्रम क्या है? साधन है। स्वामित्व है या नहीं है श्रम का? इसमें दो देश आते हैं, एक आता है, चल नहीं रहा है, है? अभी है देखो, क्या बोल रहे थे हम? बेटर बेटर बेटर, क्लास खत्म ही होने वाली है, ज्यादा समय नहीं है। हाँ हाँ, हम ऐसे बोल दे रहे थे, सुन रूस क्या जाने, तो बस 10-5 मिनट से। रूस जो है वो पूरी तरह से समाजवादी अर्थव्यवस्था पर डिपेंड है। समाजवाद से क्या मतलब? कि उत्पादन के साधनों पर उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व पर पूर्ण स्वामित्व सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, सरकार का होता है, ठीक है ना। और एक चीज और भी है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। समाजवाद से निकला है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। साम्यवादी अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था है? जैसे चीन की अर्थव्यवस्था है, रूस समाजवाद है तो चीन साम्यवाद है। दोनों में अंतर क्या है? जो श्रम है वो स्वामित्व में है रशिया में, और चाइना में एक साधन है, उसको कोई अधिकार व्यक्तिगत रूप से संपत्ति बनाने का अधिकार किसी व्यक्ति को चाइना में आज भी नहीं है, एक सीमा तक, ठीक है ना। अभी उसने कुछ सुधार किया है, बताते हैं कहाँ सुधार किया है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था या स्टेट अर्थव्यवस्था। इसमें पूरा तरह से हस्तक्षेप ही होता है और दृश्य हाथ बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। विनिमय, वितरण और राजस्व पर पूरी तरह से, किस वस्तु का उत्पादन करना है, कितना करना है, वो पूरी तरह से गवर्नमेंट पर निर्भर करेगा। तीसरी अर्थव्यवस्था आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का जन्म कब हुआ था? मिश्रित अर्थव्यवस्था का जन्म महान मंदी, महान मंदी समझ रहे हैं आप लोग, कब आई थी? 1929 आई थी। विश्व की महान मंदी क्यों कहा जाए, तो उसमें क्या दिक्कत आई? जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी, फेल हो गई थी, कि महंगाई अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी, उत्पादन कार्य बिल्कुल ठप हो गया था, मुद्रा बिल्कुल सस्ती हो गई थी, यानी डिमांड बढ़ ही नहीं पा रहा था, उत्पादन और पूरी तरह से ठप हो गया, तो मंदी आ गई। उसी के परिणामस्वरूप आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था का जन्म होता है। यानी कहा जाए कि पहले पूंजीवादी में मौद्रिक अर्थव्यवस्था थी और समाजवादी में राजकोषीय व्यवस्था थी, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में 1929-30 में विश्व की महान मंदी जर्मन अर्थशास्त्री जान मेनार्ड कीन्स की पुस्तक जनरल थियरी एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, है ना, मनी एंड एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से उन्होंने दोनों को समाहित किया, मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी। दो पॉलिसी होती है, कौन पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी।
और इन दोनों पॉलिसियों को अगर हम सम्मिलित करके जिसका उपयोग करते हैं और जो सरकार प्रयोग करती है उसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे, यानी सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों के सह अस्तित्व को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में हम स्वामित्व का अधिकार कुछ क्षेत्रों पर राज्य का होता है, कुछ क्षेत्रों पर प्राइवेट का होता है और कुछ क्षेत्रों में ज्वाइंट सेक्टर संयुक्त क्षेत्र का योगदान होता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत किसी को ना समझ में आया तो पूछ सकता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो फिर पूछिए। इसी में आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस आता है, प्रशासनिक मूल्य जिसको कहा जाए, सब्सिडी इत्यादि, इन सब का प्रावधान मिश्रित अर्थव्यवस्था में है। यहीं से आपके कल्याणकारी अर्थव्यवस्था का प्रोग्राम शुरू होता है। ठीक है ना, बस समाप्त कर दिया जाए आज यहीं पर। आप लोग पढ़िए और पढ़ करके जो न समझ में आए पूछिए हमसे। देखिए, सबसे अच्छी चीज़ ये होगी बोलिए बेटा, मोबाइल आप चालू है।